तो थोड़े से पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं कि नोटिफिकेशन आ सकता है या आएगा ठीक है आई विल जस्ट कंट्रोल माई वर्ड्स बट आई वॉन्ट टू इनफॉर्म ऑल दिस वेग विद डिस्कलेमर दैट वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज नॉट अ हंड्रेड परसेंट गारंटी कि नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि से को लेकर हमने देखा है कि बहुत ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं थोड़ा सा अनडिसव लगता है उनकी साइड से बट हैविंग सेड दैट थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं तो मैं आपको थोड़ी सी पॉसिबल डेट्स बताऊंगा बट डेट्स के अलावा वी विल ऑल्सो बी दैट इफ इन डीड दो क्या इस लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर करना पॉसिबल है अगर हाँ तो कैसे वी विल बी डिस्कसिंग अराउंड फोर मंथ स्टडी प्लान जो कि डेट्स के मुताबिक बनना चाहिए सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट विद द पॉसिबल डेट्स तो जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है अगेन विद दैट नो आइडिया ऑफ डिस्कलेमर दैट आई टोल्ड यू अर्लियर जो भी डेट्स हमें थोड़ी बहुत पॉसिबल लग रही हैं कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आने की पॉसिबिलिटी है मार्च में तो नहीं आ रहा है काफी इस पर क्लैरिटी है मार्च में नहीं आ रहा है अप्रैल में आने की पॉसिबिलिटी है और अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है तो मे में एग्जाम हो सकता है एंड आई थिंक वो होगा तो अब इलेक्शंस के बाद ही होगा शायद जो आपके 12, 15, 17 मई को इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे So maybe in last week of May your paper can be held, and maybe in last week of June, your phase two. Here phase one, here phase two can be held. So overall, if you see, right now it's February going on, right? So February to May you will almost have around say 100 days before your phase one, and another 30 days between your phase one and phase two, around about that.

आप इसको चालू रखिए एंड आई एम गोइंग टू नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मैं जो हमेशा कहता हूं कि ये जो आप एफर्ट लगा चुके हैं या लगाएंगे जब बाकी लोग बैठे हैं इट विल गिव यू ग्रेट रिटर्न वंस द नोटिफिकेशन इज आउट नाउ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर इवन नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई बट वेटिंग टू स्टार्ट सेबी प्रिपरेशन के जैसे ही सेबी नोटिफिकेशन आएगा या सेबी पे कुछ कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन आएगी उनके लिए सीनारियो नंबर टू है सो आई वुड बी मेनली डिस्कसिंग अबाउट दिस दिसारियो नंबर टू इन विच यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बिकॉज इफ यू वुड आपका बहुत सारा सीबी का सिलेबस पहले ही हो चुका होता सो so ये वाला सीनारियो हम डिस्कस करेंगे जो बैठे हैं आराम से लेकिन करना चाहते हैं उनको आई थिंक इट्स अ वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट अब रिस्क तो रहता ही है देखिए वो तो रिस्क वैसे भी है नोटिफिकेशन आ गया आपका नहीं हुआ तब भी आपका एफर्ट वेस्ट जाएगा सो so वो रिस्क तो हमेशा रहेगा आप पढ़ना शुरू कर दें नोटिफिकेशन लेट आए जल्दी आए बट आई थिंक अब इस टाइम आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अनदर पुश के आप ये प्रिपरेशन शुरू कर लो अब इसको डिले मत करो जो थर्ड सिनारियो है दिस इज यू टू प्रिपेयर फॉर बोथ आरबीआई एंड सेबी दिस आई डिस्कस इन सेपरेट वीडियो बिकॉज इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो अलग है ये हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे सो राइट नो लेट्स मूव ऑन टू दिस आप आरबीआई के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं सो यू वॉन्ट जस्ट स्टार्ट ए फ्रेश आपने सेबी का शायद पहले यू आर प्रिपेयर्ड समवट एंड और यू वॉन्ट स्टार्ट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम इट सेल्फ तो ये सनारियो आपके लिए है अब इस सनारियो में क्या ये पॉसिबल है कि आप हंड्रेड डेज या फिर जो मैंने वन थर्टी डेज बोले बिफोर फेज टू इन दैट पीरियड यू आर एबल टू प्रिपेयर सो यहां पे मैं अगेन आई वुड लाइक टू फोकस दैट अगर आप पेपर वन देखें फेज वन में और फेज वन में एक पेपर टू है सो फेज वन में योर दिस पेपर वन क्वांट रीजनिंग योर करंट अफेयर्स आप इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे सकते अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर मेरा तो क्वांट रीजनिंग बिल्कुल जीरो है मैं तो फर्स्ट टाइम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा हूं आई थिंक फिर आप इस साल छोड़ दीजिए मतलब यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव नंबर राइट अगर आपका क्वांट रीजनिंग भी नहीं है इंग्लिश भी नहीं है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने देंट इनफैक्ट यू आर लाइंग इन इनगेटिव टेरिटरी बिकॉज इट्स नॉट इवन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आप कॉम्पिटिशन से बहुत पीछे हो तो ये चीज तो आप आई एम दैट यू विल मैनेज बिकॉज आपको कहीं ना कहीं क्वांट रीजनिंग का एक्सपीरियंस है और जो फेज टू में पेपर वन है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वो भी आप हैंडल कर लोगे इट्स नॉट आई मीन इट इज इंपॉर्टेंट बट मोस्ट ऑफ दी पीपल हु क्लियर दे ऑल्सो नॉट प्रिपेयर लाइक हंडल आवर्स फॉर दिस पेपर दिस इज मैनेजेबल बट द रियल प्रॉब्लम और द रियल चैलेंज और द रियल कॉम्पिटिशन और द रियल एफर्ट दैट यू नीड टू पुट इन इज ऑन दिस पेपर पेपर टू विच इज कॉमन बिटवीन फेज वन एंड फेज टू इस पेपर में आपके छह सब्जेक्ट्स हैं कमर्स एंड अकाउंट्स फाइनेंस मैनेजमेंट कॉस्टिंग इकोनॉमिक्स एंड कंपनी लॉ दिस इज द क्रिटिकल पेपर दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू क्लियर फेज वन वो तो क्वालिफाइंग लोगे बट दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू डिफाइन द मेरिट इन फेज टू यहां पे आपको बहुत अच्छा करना है बस आप ये चीज समझ लो कि अगर मुझे चार महीने कहीं पर एफर्ट लगाना है दैट इज दिस पोर्शन दिस इज दिस इज योर करियर दिस इज द ज दिंग दैट यू नीड टू डू टू गेट दैट बैच ऑफ सेबी ग्रेड ऑफिसर तो हमारा सारा फोकस यहाँ पे रहेगा और मैं आपको कट ऑफ भी बता देता हूं स्केल करके हंड्रेड में से निकाली जाती है और ये कम नहीं है सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट इनपिटेटिव एग्जाम विच कॉन्टेन्स एमसीक्यू राइट एंड दैट ऑल्सो नो बिल्कुल आसान नहीं है इजी आते हैं बट मॉडरेट समेमेट समेम टोरिंग सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट इज नॉट ईजी बट देन यस आई मीन यू के नॉट गेट दैट ट्वेंटी थर्टी लैक्ली राइट यू हैव टू वर्क फॉर इट यू हैव टू अर्न इट यू हैव टू एक्चुअली प्रूव दैट यू आर कैपेबल ऑफ गेटिंग इट तो ये स्कोर लाना है आपको ओवरऑल आप जस्ट ये लेके चलिए कि अगर आपका सौ नंबर का पेपर है आपको उसमें से सिक्सटी फाइव लाना है चाहे वो पेपर वन हो चाहे वो पेपर टू हो, हो फेस टू में दिस इज नॉट ईजी मैनेजेबल है अचीवेबल है बट इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ मेंटल पॉजिटिविटी एंड मेंटल एफर्ट फ्रॉम योर साइड अगर आप मेंटली उसको बिलीव करेंगे दैट यू कैन अचीव इट देन ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज योर चांसेस टू अचीव इट ठीक है तो ये एक नंबर आपने दिमाग में रखना है कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं योर टारगेट शुड बी टू गेट सेवेंटी परसेंट इन दैट मॉक टेस्ट जितने भी क्वेश्चन है उतने मार्क्स में सेवेंटी परसेंट आने चाहिए ये एक मोटा मोटा टारगेट आप लेकर चलिए अब फोर मंथ्स में कैसे कर सकते हैं अगेन आई एम रिपीटिंग इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बट बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही सोचकर छोड़ देंगे बहुत सारे लोग हैं जो इसको चैलेंज लेंगे करेंगे उनमें से ही कुछ लोग निकलेंगे तो ये एक ओवरऑल हाई लेवल प्लान है यू नीड टू कस्टमाइज इट राइट थर्टी डेज मैनेजमेंट कॉस्टिंग एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दीज आर वेरी स्कोरिंग एरियाज आई एम टेलिंग यू मैनेजमेंट एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश

जो आपने इधर ब्लॉक वन में पढ़ा है इन दिट्स थर्टी डेज और सेक्शनल टेस्ट हमें जरूर देने हैं वी हैव टू गिव लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट से एग्जाम आई फील नॉलेज इज वन थिंग बट देयर इन लिमिटेड टाइम यू वुड हैव टू अटेम्प्ट वुडेम्प्टिफ्टी एमसी लर्निंग टू यूज योर इंट्यूशन यूज योर गेसिंग पार लर्निंग टू लीव द क्वेश्चन लर्निंग टू सेलेक्ट द क्वेश्चन ऑल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू विल लर्न ओनली बाय सॉल्विंग ऑल दी सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेटर ugly 20 days mein, right you shall be focusing on selected chapters of accounts and economics and again revision and the last 25 days this 30 35 20 and 25 days this will almost be like 100 days what i told you is the time you will get before phase one in the last 35 days your focus should be on quant reasoning

बट उसके बाद द टाइम दैट यू गेट बिटवीन फेज वन एंड फेज टू यहां पे हम थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे और जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो हमने छोड़ दिए थे उनको हम दोबारा करेंगे एंड वी विल डू अ अ लॉट ऑफ नाउ दिस इज हाई लेवल प्लान एंड आई हैव ट्राइड टू डिवाइड योर प्रिपरेशन ब्लॉक्स सो दैट विद इन है सर्टन स्पैन ऑफ थर्टी थर्टी फाइव डेज यू आर जस्ट कंसेंट्रेटिंग ऑन लिमिटेड सेट ऑफ टू सब्जेक्ट ठीक है और सब्जेक्ट्स को मतलब मिक्स किया है मैनेजमेंट के साथ कॉस्टिंग है जो कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है कंपनी लॉ थोड़ा इजी है फाइनेंस थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहां खैर दोनों ही मुश्किल हैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तो इसको अब एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं जस्ट बी ब्रीफ सी मैनेजमेंट आई आई फील इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एरिया कुछ ज्यादा सिलेबस नहीं है लीडरशिप एच मोटिवेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट दैट्स इट the only problem in management that you will find is that it can be boring or it can be very confusing at times because the similar things will flow across many chapters just read it multiple times try to solve a lot of questions especially case study based questions and do not think that any information is trivial कई बार वन लाइनर आता है बहुत ही आसान और दो नंबर का होता है इसमें सब कुछ पढ़ के जाना है और इसमें अगर आपके suppose 100 में से 10 15 नंबर का मैनेजमेंट आता है अराउंड

और इसमें से एवरी टाइम आई सी टू टू थ्री क्वेश्चन तो अगर आप ये दो तीन क्वेश्चन भी करें छह नंबर ले आए ना आई मीन एटलीस्ट आप फेज वन के लिए सिक्योर हो जाएंगे बट वी शेल नॉट बी स्टॉपिंग यर ओनली टू क्लियर फेज वन बट ऑल्सो टू क्लियर फेज टू तो उसके लिए हमें ये तीनों यूनिट्स भी करने पड़ेंगे इन तीनों यूनिट्स में से जो यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वेयर यू विल एक्चुअली बीट द कॉम्पिटिशन इज दर्ड यूनिट बेसिक्स ऑफ कंट्रोल स्ट कंट्रोल एनालिसिसर वी स्टडी अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग इन बजट एंड बजटरी कंट्रोल दीज थ्री चैप्टर्स आर एक्चुअली न्यूमरिकल ऑरियंटेड इनमें स्पेशली ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर ना आपको बहुत अच्छे से सारे न्यूमरिकल्स करने हैं यहाँ पे इसमें से एग्जाम में आएंगे ही आएंगे एंड इफ आई टॉक अबाउट दी फर्स्ट यूनिट ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है कुछ कॉन्सेप्ट है फ्रॉम वेर ऑल्सो दे है बट ये आप मैनेज कर लोगे जस्ट जस्ट बी यू नो वेरी फोकस्ड रीडिंग ऑल दी ट्रीबल इन्फॉर्मेशन वाइल कवरिंग फर्स्ट यूनिट और जो सेकेंड यूनिट है यहां पे अगेन यू वुड हैव टू रीड एवरीथिंग देर इज नो डाउट अबाउट इट बट जो आपका ये वाला पोर्शन है ना प्रोसेस कोस्टिंग ये अच्छे से कर लेना यहां से एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं बाकी चैप्टर में से जर्नली थ्योरी ही आती है दिस इज अबाउट कॉस्टिंग ठीक है थर्ड चैप्टर थर्ड यूनिट में न्यूमरिकल्स अच्छे से करने है फोर्थ चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं है वट एवर इट इज आखिरी दिन भी इसको पढ़ लोगे तब भी दो तीन क्वेश्चन कर लोग फर्स्ट यूनिट इज वेरी बेसिक राइट सो उसको ध्यान से पढ़ना ईच एंड एवरी डेफिनेशन यू शुड बी एबल टू एब्सोर्ब दॉन्ट एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े टेडे आते हैं मतलब यू नीड टू लर्न टू डिफरेंशियट बिटवीन डिफरेंट टर्म्स दैट यू विल बी लर्निंग

फाइनेंस का यूनिट उन्होंने सिलेबस में बांटा हुआ है इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट टू यूनिट्स तो फर्स्ट यूनिट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दी फर्स्ट यूनिट यू विलउट फंक्शंस बी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बेसिक अबाउट तो फर्स्ट यूनिट अच्छे से कर लीजिएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विध डेरिवेटिव ठीक है और यहां पे बॉन्ड्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं इक्विटी मार्केट मनी मार्केट में से भी आ सकते हैं फॉरेक्स थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है एंड देर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट ठीक है इंस्ट्रूमेंट्स रेपो रिवर्स रेपो टी बिल्स कैश मैनेजमेंट बिल्स उन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाकी इन्फ्लेशन भी करना ही है आपको ठीक है ये सारे चैप्टर्स करने हैं बट अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करूं थर्ड यूनिट में बेसिकली यू बी सी डी

सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी इन्फ्लेशन तो एवरग्रीन चैप्टर है उसमें से एक आधा क्वेश्चन आता आता ही आता है law, guys, है कमिंग टू कंपनी कंपनी लॉ लॉ गाइस बहुत इजी मतलब आप serious, आप सीरियसली अगर चाहें तो पूरा कंपनी लॉ दिन पढ़ेंगे ना तो यू कैन जस्ट फिनिश इट बट द प्रॉब्लम इज दैट इट कॉन्टेन लॉट ऑफ फैक्ट्स नंबर विच आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर बट अगर आप उसको थोड़ा नोट करते रहेंगे या एक बार समझ कर सिर्फ प्रेजेंटेशन uh, या नोट्स में से एक बार दोबारा रीडिंग कर लेंगे

शेयर कैपिटल एंड डेवेंचर एंड चैप्टर ये तीन चैप्टर्स आर एक्चुअली रिलेटेड विट टू दी कैपिटल मार्केट टू मार्केट और टू फाइनेंस तो इनमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है स्पेशली अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल एंड डबेंचर थोड़ा पेशेंट से पड़िएगा अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी चैप्टर्स है ठीक है जो आपका चैप्टर टेन ऑडिट एंड ऑडिटर्स पे है देन चैप्टर इलेवन इज बेसिकली ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ठीक है बड़े हैं तो आप इनको वन फोर्टी टू वन सिक्सटी एक चैप्टर मान के पढ़ सकते हैं देन सेक्शन सेवन एक चैप्टर मान के पढ़ सकते हैं सिमिलर योर चैप्टर ट्वेल्व इज ऑन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आव डिडेड दिस चैप्टर इन टू टू चैप्टर्स टू चंक्स सो दैट नो यू फाइंड इट नॉट डू नॉट फाइंड इट ओवरवेलमिंग एंड यूर लास्ट चैप्टर इज ऑन एनसीन एंड देखिए कंपनी लॉ पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बिकॉज दे लॉट ऑफ नंबर्स एंड फैक्ट्स बट ट्रस्ट मी आप जितना जल्दी पढ़ेंगे और जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा होल्ड आएगा बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ डेज पे कि विद इन हाउ मच द कंपनी हैज टू अपॉइंट द ऑडिटर एंड ऑल दैट इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स होते हैं नंबर्स होते हैं विच यू नीड टू रिमेंबर डेफिनेशन पूछ लेते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल

न बी डन विद्रूवल ऑफ तो यहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पे अप्रूवल की बात की जा रही है दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जाम वेन यू रीड इट यू माइट फाइंड इट वेरी सिंपल बट इन द एग्जाम वन यू सी ऑल दी ऑप्शन बिकॉज सम हाउ समेयर शेयर होल्डर्स विल है सम हाउ समल गवर्नमेंट विल हैव दर्ड ऑफ डायरेक्टर विल है किसके पास वो पावर है तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगेन यू कैन क्लियरली सी दीज मच फैक्ट बेस्ड ऐसे आपको करने पड़ेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका दो महीने का प्लान है जिसमें आपके चार सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं इवन इफ गेट्स डिलेड बाई टेन फिफ्टीन डेज दैट्स ओके बट वॉट एवर यू डू डू इट वेल उसके बाद आई वुड से बिफोर फेज वन वो इज अ बोनस अकाउंट्स के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स कर लो इकोनॉमिक्स के भी आई वुड से कुछ चैप्टर्स कर लो अकाउंट्स का आपका ये सिलेबस है ना द इंटरेस्टिंग थिंग इन सिलेबस इज दैट देयर आर सर्टेन चैप्टर्स इन योर अकाउंट सिलेबस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बट सिलेबस में नहीं है जैसे कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिज्म All these are very very important, but they are not mentioned in your syllabus. But somehow you have to do it, and questions have been asked from it in the past. Recording transactions, where we learn about debit, credit, and journal entries, right? Then trial balance, then bills of exchange. All these are very, very important. Trial balance pay errors related questions. Gaye aapke exam mein. So yeah. जो मैं कह रहा हूं कि यू नीड टू डू सेलेक्टेड चैप्टर्स दीज आर दी फर्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स दैट दैट यू शुड बी डूइंग आफ्टर अनदर सेलेक्टेडर दैन सेलेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट राइट जो कि बेसिकली आपका यहां से है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज व्हाट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैश फ्लो रेशियोस ये वाला पार्ट देन फंड फ्लो स्टेटमेंट व्हिच इज अगेन दिस पार्ट राइट उंटिंग इज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम विच इज बेसिकली दिस बट ठीक है तो यूनिट ए यूनिट सी एंड दी सेट ऑफ चैप्टर्स विच आर नॉट में यूनिटिंग एंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो आपको ये लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दिस इज योर प्रायोरिटी बिफोर फेज वन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स कैन बी डन आफ्टर फेज टू रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स में क्या है यूनिट डी और ई e है जहां पर हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ठीक है बोनस राइट इशू बाई बैक ये चार चीजें सीखते हैं दिस कैन बी लिटिल टफ और कंफ्यूजिंग टू डू इट इन अ हरी फॉर आई एम सजेस्टिंग यू टू डू इट आफ्टर फेज वन इन केस यू गेट टाइम यू कैन इवन डू इट बिफोर फेज वन बहुत मुश्किल नहीं है बट थोड़ा सा टाइम लगेगा मतलब ऐसा नहीं है कि अभी पांचों चैप्टर आप एक दिन में कर देंगे उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो आप अगेन आई वुड सजेस्ट आप बाद में कीजिएगा योर दिस यूनिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ठीक है तो ये हम बाद में कर सकते हैं सारे चैप्टर्स करने सारे हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है ये छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे राइट एंड मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन फ्रॉम चैप्टर्स आर कंसेप्चुअल सम बेसिक न्यूमरिकल्स और रिलेटेड टू रेगुलेशंस फॉर एग्जांपल इफ दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन फ्रॉम बाय बैक देन इट कैन बी रेगुलशन रिलेटेड टू बायक इफ दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन फ्रॉम आ

If I try to talk about it, there are two units Unit A and B. B is mainly kind of macro, which most of you would have read while preparing for other exams or say, you know, uh, somewhere, somehow. I mean, even if you have been reading newspapers, you would have been understanding of these concepts somehow balance of payments, foreign exchange markets, inflation, monetary and fiscal policy, non banking financial institutions. All this is very, very important this should be a first priority that should be done before phase one this is scoring portion actually a x scoring portion here unit b unit a is also important right unit a say before phase one you can do demand and supply and maybe market structures but the other chapters national income keynesian approach consumption function investment function multiplier and accelerator

ंग सेलेक्टेड सेट ऑफ चैप्टर्स बाकी लास्ट ट्वेंटी फाइव डेज में गाइज ऐसा मैंने बताया इसका रिविजन कीजिए जो छह सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं क्वांट रीजनिंग पे थोड़ा हाथ मारिए प्रैक्टिस एंड इफ यूर रियली वरीड अबाउट क्वांट रीजनिंग और जीए यहां पर जीए भी करना पड़ेगा आपको करंट अफेयर फॉर पास थ्री मंथस ड्यूरिंग दिस फेज अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो आप इसी फेज में जो ये आपके ब्लॉक है यहां पर हाफ एन आवर हाफ एन आवर राइट बट इनकेसू आर ऑलरेडी इन टाइम क्रंच आई थिंक दिस इज द बेस्ट चांस फोकस ऑन क्वांट रीजनिंग एंड करंट अफेयर ओनली ड्यूरिंग दी लास्ट ट्वेंटी फाइव डेज एंड बिटवीन फेज वन एंड फेज टू दो आई मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस अगेन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ट्राई टू प्रैक्टिस इट ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर हेयर इट्स अ ग्रेट वेटेज वन बाय थर्ड इन योर पेपर और इकनोमिक्स और अकाउंट्स के जो बचे हुए तो इतने आपको करने चाहिए। यार, -दस आप नबेड़ दो दैट शुड बी प्रायरिटी बाकी लास्ट वर्ड गाइड में यही बोलूंगा एक तो समरी बोलूंगा क्यू आर को ज्यादा टाइम मत दो ये मैनेज हो जाएगा डरो मत इससे करंट अफेयर को बहुत ज्यादा महत्व मत दो आर, में ज अ वेरी लिमिटेड स्कोप एंड नो लिमिटेड इंपॉर्टेंस इन फॉर यू टू गेट इंग सेलेक्टेड देर वुड हार्डली बी करंट अफेयर इन योर फेज टू पेपर फेज वन में थोड़े बहुत आएंगे जी ए सेक्शन में वो तो आएंगे ही बट यू कैन मैनेज अगेन इट्स इट्स टू क्वालिफाइंग राइट बाकी न्यूमरिकल्स को मत छोड़ो बहुत लोग सोचते हैं कि न्यूमरिकल छोड़ जाएंगे मत छोड़ो कई लोगों का ना फेज वन गलती से क्लियर हो जाता है बाय नॉट प्रिपेयरिंग वेल फिर बाद में वो जल्दी जल्दी में फेज टू के लिए कुछ भी प्रिपेयर करते हैं न्यूम्रिकल नहीं प्रिपेयर करते हैं टेलिंग यू बिफोर बिना न्यूम्रिकल के नहीं होने वाले ऐसे तुक्के नहीं लगते हैं यार नहीं लगेंगे तो न्यूम्रिकल अभी से करना शुरू कर दो ठीक है बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे जरूर फोकस करना अगेन इट इज समथिंग विच फॉर विच यू डू नॉट नीड एनी बैकग्राउंड कॉस्टिंग के लिए तो पहला चैप्टर पढ़ोगे तभी दूसरा समझ आएगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज लाइक नो नो मैंस लैंड मतलब कभी भी शुरू करो कभी भी कर लो जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो इट्स जस्ट अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर मतलब 40 नंबर तो आपके गारंटीड आ जाएंगे यार उसको आपको पैंसठ सत्तर तक लेके जाने दैट विल कम विद लॉर्ड ऑफ प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ द गेम तो ये चीजों का ध्यान रखिए और बहुत सारे बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए बहुत सारे मैं इतना भी आपको बता सकता हूं कि अगर आप दस हजार क्वेश्चन कर लेंगे ना कहीं से ओवरऑल फॉर पेपर टू या पांच हजार आई मीन इज अ गुड चांस के पांच छे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिमिलर आ जाए बिकॉज वट आई सी इन दी एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर वेरी स्टैंडर्ड जो इधर उधर आपको मॉक uh, टेस्ट में सेक्शनल टेस्ट में वेबसाइट्स uh, पे मिल जाते हैं तो जितने ज्यादा क्वेश्चन ना उतने ज्यादा प्रैक्टिस करो वंस यू आर डन विद योर प्रिपरेशन देन रिवर्स इंजीनियरिंग कैन बी वेरी यूजफुल सो आई होप ये आपको थोड़ा एक मोटिवेट करेगा एक रोड मैप देगा एक स्ट्रेटेजी देगा एज एन हाउ टू मूव फॉरवर्ड बाकी अगर आप सेबी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं दिस इज दर गाइड बुक फॉर सेबी ग्रेड ए मैनेजर विच इज एवरी थिंग फॉर सेबी आई वुड पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली टॉक अबाउट थ्री थिंग्स विच आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू द फर्स्ट वन इज सेबी ग्रेड ए प्रीवियस ईयर पेपर्स वेरी मच नीडेड वेरी मच रिक्वायर्ड बाई यू बिकॉज ओनली बाय वॉचिंग दैम ओनली बाय गोइंग थ्रू दैम यू विल अंडरस्टैंड वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन i mean some subjects have their syllabus even not mentioned in the notification but we are giving you there in this guidebook by analyzing the previous papers and the third one is the detailed book list and resources which can be very useful which comes with a lot of analysis research learnings that we had that we are suggesting you those resources this guidebook ko hi download kijiye there is a link in the description of this video click on that link download this guidebook आन स्टार्ट रीडिंग इट एटलीस्ट ये तो पढ़ लो अगर सब्जेक्ट नहीं पढ़े जा रहे हैं इससे थोड़ा क्लैरिटी तो थो हो जाएगा कि मुझे एग्जाम देना भी है या नहीं देना है थैंक यू अस्ट स्टे बाय जय हिंद